दांत के दर्द से परेशान हैं? तुरंत राहत चाहते हैं तो अपनाएं यह उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आपका स्वागत है मॉम इन मिक्की में। गलत समय पर भोजन करना या फिर भोजन के बाद दांतों को ठीक तरह से साफ न करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जिससे दांतों में दर्द होता है। इतना ही नहीं, कई बार कैल्शियम की कमी के कारण भी दांतों में दर्द की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। दांत दर्द वास्तव में काफ़ी तकलीफदायक होता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी जिनकी मदद से दांत दर्द को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तुलसी का इस्तेमाल। तुलसी के औषधीय गुण कई तरह की बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं। दांत के दर्द को दूर करने में यह बेजोड़ है। दांत दर्द से राहत पाने के लिए आपको यह करना है कि तुलसी के पत्तों के रस में आपको काली मिर्च का चूर्ण मिलाना है। अब इसको गोलियां बनानी है और दांत दर्द जहां पर हो रहा है उस जगह पर आपको इसे रखना है। इस उपाय को अपनाने से दांत के दर्द में काफी आराम मिलता है। दांत के दर्द की समस्या को दूर करने के लिए लौंग का इस्तेमाल सदियों से होता चला आ रहा है। दांतों में दर्द होने पर लौंग को दांतों के बीच दबाकर रखें। इसके अतिरिक्त आप लौंग के पाउडर या लौंग का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दांत दर्द में आपको राहत मिलेगी। शायद आपको पता न हो, लेकिन अमरूद की पत्तियां भी दांत दर्द को दूर करने के लिए एक प्रभावी उपचार है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अमरूद की ताज़ा पत्तियों को दांत दर्द वाली जगह पर दबा कर रखना है। कुछ ही देर बाद आपको आराम मिलेगा। आपको इन पत्तियों को चबाना है, लेकिन निगलना नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो अमरूद की पत्तियों को उबाल कर उसे माउथ वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के एंटीबायोटिक गुण दांत दर्द को दूर करने के लिए बेहद प्रभावी होते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए लहसुन की कलियों को कूटकर उसमें नमक या काली मिर्च मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस उपाय को अपनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन का इस्तेमाल काट कर नहीं बल्कि कूट कर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से लहसुन में तेल का स्राव होगा और जो दांत दर्द को ठीक करेगा। दांत के दर्द में आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी या फिटकरी के पाउडर को आपको दर्द वाली जगह पर रखना है। जो लार बनेगी उसको आपको बाहर थूकते रहना है। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने से भी आपको काफ़ी आराम होगा। तो ये थे कुछ असरदार और कारगर घरेलू उपाय दांत दर्द से छुटकारा पाने के लिए। आप मुझे ज़रूर बताएं इनमें से कोई भी रेमेडी अगर आप अपनाते हैं। इसके बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। आई लव टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई बैक टू यू। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।